नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूको बैंक की। आज अगर आप देखेंगे तो 1% की रैली आई है। खबर यह है कि बाजार में इस 1% के साथ ही वॉल्यूम बढ़ा और डिलीवरी बढ़ते के साथ ही यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट यूको बैंक में देखने को मिला। 30 रुपये का मात्र स्टॉक है ये आपका, और यहाँ से अपसाइड बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज का टारगेट बहुत अच्छा है इस स्टॉक को लेकर के, और जो पूरी की पूरी उनकी स्टडी रिसर्च रिपोर्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। बात करेंगे इस वीडियो में यूको बैंक की, जहाँ पर आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है। मात्र 30 रुपये का स्टॉक है। ऐसे ही कंपनीज, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर काफी अच्छे रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हो रहे थे जब वो स्टॉक 60 रुपये के आसपास, 70 रुपये के आसपास ट्रेड होता था। उस स्टॉक का किसी ने नहीं पूछा, आज वो 200 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। छोटे बैंक्स में आप देखें, जो जो इस तरह के बैंक है, यूको बैंक, जो अंडर परफॉर्म रहे हैं अब तक, उनमें एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद अब जताई जा रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको यूको बैंक में निवेश करना चाहिए, क्या टारगेट है आपका, क्या क्या लेकर के चलना है साथ में, कितनी खरीदारी यहाँ पर रखना है, और आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में और लॉन्गर पीरियड में कितना टारगेट आपको मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल यूको बैंक की बात रही तो अभी आप देखेंगे तो 37 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं और 30 रुपए के आसपास आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूँ, कितना रिटर्न आपको इसमें मिला हुआ है, और उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। 1 साल में 160% का ये ठीक है। 6 महीने में अगर आप देखें, 3 महीने में अगर आप देखें, 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं हुई। और ऐसे टाइम पर जहाँ पर मार्केट आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ से जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहे हैं, आप PNB को देख लीजिए, लगातार वो 1 साल में कुछ भी नहीं भागा था, और पिछले अगर आप 2 दिन में 3 दिन में देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा रैली यहाँ पर आ चुकी है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, जिस तरह से डिलीवरी पैटर्न आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको डिलीवरी दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए डिलीवरी कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे, कि 3 जुलाई को 31% के आसपास की डिलीवरी थी। वीकली अगर आप देखें 30% से ज़्यादा की डिलीवरी है, और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड भी यहाँ पर बढ़े हैं। मंथली अगर आप देखेंगे पिछले महीने का, तो 10 मिलियन शेयर्स एवरेज आ रहे थे, बट इस महीने का अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 जुलाई को ही 28 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, और आज अगर आप देखें तो क्लोज टू 40 मिलियन शेयर्स आज भी ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि बाजार में जिस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड बढ़े हैं, लगातार डिलीवरी पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर एक अपसाइड की उम्मीद आपको करनी चाहिए। जहाँ तक फाइनेंशियल की बात है, क्योंकि कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो उसके फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे फंडामेंटली रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट कर रही है, 5906 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। कंपनी का मार्जिन बहुत गजब का है, यहाँ पे 27-28% के आसपास का मार्जिन है। वहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो आप देखिए कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसा नहीं कि लॉस कर रही है। 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहां से लेकर के 557 करोड़ का नेट प्रॉफिट तक आ चुके हैं। मार्च क्वार्टर में 557 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अनाउंस किया था इस कंपनी ने। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी काफी स्ट्रांग काम कर रही है। एनपीए भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो एनपीए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1% के आसपास का, 1.3% के आसपास का नेट एनपीए इस कंपनी का है बस, ठीक है। लगातार अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने नेट एनपीए अपना रिड्यूस किया है, जो कि एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यूको बैंक PNB के बाद BOB बनने की पूरी क्षमता रखता है, और बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ से आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 30 रुपये का स्टॉक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी। चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट कितना बेहतरीन दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखिए एक अच्छी खासी रैली आई थी, उसके बाद गिरावट हुई, अक्यूमुलेशन का जोन बना, अभी के लिए अगर आप देखें डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल एक ब्रेकआउट की उम्मीद जताई जा रही है। चार्ट भी अगर आप देखें तो MACD में भी एक ब्रेकआउट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI आपका 60-55 प्लस ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ से अगर निकलता है अराउंड ₹30 के आसपास से अगर ब्रेकआउट देता है तो वो खरीदारी करने का आपका प्राइस बन जाएगा यहाँ पे, और वहां से जो भी खरीदारी करते हैं उनको एक अच्छा खासा टारगेट भी मिलेगा। वो टारगेट कितना होगा मैं टारगेट भी आपको बता देता हूँ, अराउंड ₹38 का टारगेट लेकर आप खरीदारी इस स्टॉक में कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए मैं बात करूँ तो चार्ट अच्छे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, और खरीदारी करने का मौका भी है क्योंकि मार्केट आपका ऑल टाइम हाई, और अच्छे खासे FII भी यहाँ पर लगातार निवेश कर रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा स्टॉक है। रडार पे रखे, इसे मौका लगता है तो आप निवेश करें, पैसा बनाए। इसमें 38 रुपये का टारगेट रहेगा। बहरहाल लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कॉमेंट, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।